नाचा के बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं अभी भी है ना, अभी भी नाचा के कलाकार हैं। और भारतीय रंगमंच के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, विशेषकर इनका जो थिएटर के अंदर में, थिएटर म्यूजिक के अंदर में ताल वाद्य के पक्ष को लेकर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हबीब तनवीर साहब के एक लंबे सहयात्री रहे हैं, नया थिएटर में इन्होंने अपना मतलब ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण पल उसके अंदर में गुजारा है। और भारतीय रंगमंच को बहुत अच्छे अच्छे रंगमंच के अंदर की जो संगीत की जो परंपरा है वो अमरदास जी ने दिया है, हम सब लोग नया थिएटर के कलाकार लोग इनको प्यार से मौसा करते हैं। क्योंकि इनके एक और साथी थे जो नया थिएटर के अंदर में रही है, मालाबाई जी जो है, मौसी तो इनकी है ही, इनकी धर्मपत्नी है, एक और इनकी सहयात्री जो जिनके साथ इनका बड़ा अंतरंग तालुकात था कलात्मक पक्ष के रूप में, संगीत के अंदर में, थिएटर के अंदर में, माला मौसी, तो हम लोग मौसी उनको कहते थे और इनको मौसा कहते थे। क्यों मौसा जी, तो एक थोड़ा सा आप अपने जो यात्रा है कैसे कैसे आपने शुरुआत किया, क्या क्या किस तरह से कलाकारी आपकी चालू हुई बचपन से लेकर अभी तक की, थोड़ी सी बताइए इसमें। नाटक में जुड़े हैं अभी जोर से भैया, बाप अभी वही मोल सिखा रही 12 साल की उम्र से। थोड़ा जोर से बोल बे, मोला सुनाई पड़ी नहीं, इतनी सुनाई नहीं पड़े। हाँ कान भाई हो गए ना, 12 साल की उम्र से मैं कार्यक्रम शुरू करे हूँ मोती देवी के लिए। अब वो शुरू नाटक शुरू हुई वही सिखाई मोर पिताजी हमें, और कोई मोर और कोई गुरु नहीं, मोर पिताजी गुरु नाटक पार्टी चला दी, नाटक मैनेजर भी सबको दे। अच्छा अच्छा हाँ, कुलझपुरी की नाटक पार्टी बहुत प्रसिद्ध भी है ऐसे ही, तो वही से शुरू हुई मोर ओकर बात तो। सर 71 में अभी सहार अगर मोला बल सकते नाटक के नाचन देखे नहीं सर, तो उनको भी ले जाना है सात बात कोई कहाँ खाओ कि गेम 71 से हम नहीं 71 से तो नया थिएटर मास, लेकिन तय अपन नाचा के जीवन के बारे में थोड़कन बता कि नाचा मत है अपन ओमन के साथ रहे, मतलब पिताजी से अपन सीखे। हाँ ओकर बाद पिताजी से सीखे कतेक साल के उम्र में तय नाचा चालू कर रहे हैं ऐसे? 14-15 साल से शुरू कर रहे नाचा, 14-15 साल से शुरू कर दिए रहे। का रूप में तोर प्रवेश हो रही से नाचा के अंदर? तबला शुरू में तबलात्मक घुस गए कि पहली मंजीरा से चालू करे? तबला से सीधा चालू करे। अच्छा, और ओकर बाद अभिनय वगैरह के कुछ काम? नहीं अभिनय नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मैं देखी मजारी जाऊ है ना। हाँ तो मैं तुझे इस बात करी कि भाई अभी मैं ले रहा हूँ तो भेज भी नहीं दीजिए हाउ किस मजारी से जाऊ। मंदराजी दाऊ मतलब कहाँ वाले? जवेरी वाले मजारी जाऊ। दुलार सिंह साहब जी है ना, मंदराजी दाऊ साहब, ओकर साथ रहे हो आप नाचा में है? तो नाचा में ओकर साथ कतेक दिन चली साथ में? काफ़ी दिन रहे ऊपर साथ, ओकर बाद फूट फूट और कल से पार्टी चल जाते रहे तो बड़ा चल रहे हूँ, लेकिन अक्सर मजाई दाऊ से मैं बहुत दिन काम कर रहा हूँ। मंदराजी दाऊ के जो नाचा मंडली में का करत रहे हो? तबला। तबला और तबला के अलावा और कोई बाजा? तो कोई नहीं रहा, जैसे ढोलक को बजाता है, ढोलक बजाते हैं। मांदर वगैरह? मांदर अंदर तो थिएटर में आए बाद मांदर शुरू हुई। अच्छा, ये एकर जो नाचा मंडली रीस है मंदराजी दाऊ के, तेन हाँ बैठका साज वाला रीस के खड़े साज में रही रही से? बैठका बैठक के साज में ही मैं चालू कर रहा हूँ, तो गाँव में बजा दे हूँ तो बांध घरों में बजा दे हैं सब तो खड़े साज वाले जो नाचा की थे। हाँ हाँ, तो गाँव में प्रचलित थी पहली। ओ, मतलब पिताजी के साथ जो हाँ, चलत रही थे खड़े साज वाला रीस? तो मैं शिकारा और तबला। हाँ हाँ, अब काका चला त्रीसों में काका चले खड़े साज में? बस नकल करें तो अहुक नकल कोई खास कहानी महत्व नहीं होता। अच्छा, आज नहीं नकल करें ऐसे
अच्छा जैसे हंसी मजाक जैसे हाँ ये काम करना है तो फिर वो कर दी नहीं जैसे कोई कहानी ओशन कोई एहन नहीं था वो छूट फूट वाले हिसाब में बस हंसाना है तब भी ऐसे रूप से चले नाचा है नार वार पहन के आगे कुछ जोकराई कर देवे बस उसके मतलब कहानी पूरा एक विस्तार से नहीं चलत रही समझ नहीं चलती तो ओमा का चीज चलत रही से कहानी अगर नहीं चलत रही तो का चीज चलत रही से नाचा के अंदर ऐसे सकते ऐसे कर रहे तो बाप बन जाए या बेटा बन ही ऐसे ढंग से रूप से नहीं ये तो खैर ठीक है कहानी हो गए लेकिन कहानी के अलावा वो कर अंदर में का चलत रही से ये तो खैर नकल के एक रूप हो गए नकल के अलावा भजन वजन के अंदर में का चीज चलत रही ब्रह्मानंद के भजन चले आऊ ये मन बुझिल गाना ज्यादा और शिकारे वाले गाना ज्यादा सी ब्रह्मानंदी भजन आऊ ओकर अलावा कोई भजन वगैरह चलत रही से ब्रह्मानंद के कबीर के फूट फूट ऐसे सकते आगू के नाचे में कोई ठिकाना नहीं थी कहानी होने नहीं थी चिंते भी थी अच्छा तो ये बताइए ये जो नाचा जो है वो छत्तीसगढ़ के कि छत्तीसगढ़ के बाहर के विधा है बाहर के मतलब पता नहीं चल गाँव में काम था कि हमें कई जन मन कही थे कि ये महाराष्ट्र के मराठी है ऐसे महाराष्ट्र में वो नाच वो तमाशा ऐसे ही कुछ नहीं थे तमाशा तो फोक फोक गाना मुखर बन के वो महाराष्ट्र में मराठी लावनी वगैरह सब ऐसे चला थी मराठी में तो नाचा से होकर कोई मतलब नहीं है ना नाचा वो अलग नाचा छत्तीसगढ़ के ही चे ना ये बाहर के तो नो है बाहर के नो कई जन मन विद्वान मन कही थे कि ये महाराष्ट्र से आए है मराठी के माध्यम से मतलब यहाँ भोसले मन आयरिस था वो ऐसे टाइप के विद्वान मन कई जन मन कही थे कि ओकर सेनापति और सैनिक मन के उमा होकर राजस्थानी गाना वाला भवाई वगैरह चला है वो चला अच्छा 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 ये नाचा विशुद्ध रूप से छत्तीसगढ़ के ही कला रूप है ना तो ये हारमोनियम के प्रवेश कब हुई से मैं हारमोनियम प्रवेश हुई से मजा ही जाऊँ तरह हारमोनियम रही से तखत में शुरू कर करे के मौका वो हुई एक बात शुरू हुई पहले नाचक रूप में रही से वो बस शिकारा तबला और मंजीरा सब कुछ रही थे अब ढोलक भी नहीं रही थे सिर्फ तबला हारमोनियम गवैया गात है ऐसे ढंग से रही और बाद में फिर चालू हुई थी फिर ढोलक का आई हम तबलक का ढोलक बजे और ना हारमोनियम ला मजा ही जाऊ हुआ वहाँ तखत में रख के बजाय तो वही करी पैर वाला हारमोनियम रीज की ऐसे वाला रहे अच्छा ये वाला हारमोनियम पैर वाला नहीं रीज है पैर वाला तो नाचम देखबे नहीं करे हम और कोई बिजली वगैरह हो तो ही पैर जान रहा है नाचा में कई जन पात्र मंच रहत रही से ऐसे मुख्य रूप से वो सात आठ दिन में नाचा हो जाए अच्छा बस ज़्यादा नहीं और नाचा के निमंत्रण कैसे मिला है तो जाए तुम्हें बस अब हम नाचा हो तो नाचा हो ही ऐसे ढंग से नरिया धराल जाए तो बस वैसे रही सब और पैसा उसे कोई बात नहीं जतका दे तत्का ले ऐसे ढंग से कोई वो में भाव वाव नहीं करेंगे आज ये नाचा है तो वहाँ गणेश पक्ष में तो सब अलग अलग ही सकते में तो बस नाचा ऐसे कही उससे फिर जाना चाहिए इस नाचे वाले में नाचा के कौन कौन सा मंडली उस समय में अच्छा प्रसिद्ध रही से वो समय ये तो ये एक गुरु का गाँव है रिंगनी वगैरह रिंगनी नहीं यहाँ भरेक साइड में रिंगनी हाँ दुरुप के पास के कौन सा सपना में भी हूँ विचार जी अच्छा मंगलू साज ऐसे कहा अच्छा ऐसे नाम हाँ जोकर मेन जोकर से कर ऐसे ढंग से रही थी कोई खास ऐसे नहीं रही जा नाचा तो बाद में कहानी होने शुरू हुई थी बाद में शुरू हुई थी अब आगू तो ऐसा नहीं रही थी हम हमारा जानती के साथ जो हो चुकी है वो नाचा अच्छा तो एमा जिसे नाचा के अंदर में आऊ जैसे एक तय कर मंगलू जोकर रही इसका हाँ। मंगलू असन आऊ कौन कौन सा मतलब टीम रही से इसमें और कोई जानकारी में है वो दौर के कौन कौन सा प्रसिद्ध मंडली रही से
कुर्दी नाम के गांव में हैं, कुर्दी 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 हाँ अच्छा, तो वहाँ नाचा पार तो उसमें हम डोंगर गांव में हैं, तो वहाँ आए थे, तो हमारे बाप और वो का मतलब दो आदमी आदमी एक औरत बनी है घूम जो कर और एक हमारे सबसे हमारे बाप मैं तुम साथ हूँ तुम सब घूमे थे बहुत जगह घूमे थे। अच्छे पहली गांव मन में जैसे बता रही इसकी नाचा चला है तो गांव के आदमी मन ही शामिल हो जाती रही सोमा कुछ कुछ अभिनय वगैरह करे माँ कुछ कुछ पार्ट हैं, तो तुमन जो करत रहा वो समय इतना चला था इसका वही से नहीं वो सर वो सर अच्छा अच्छा नाचा की एक चक एक पूरा मंडली रहे वो करे तो तय ये तरफ ओकर बाद जो जैसे मंदराजी दाऊ के साथ आप काम करे हो मनराजी दाऊ के साथ काम करे के बाद वो कौन कौन सा मंडली के साथ काम करे लखोली पार्टी थी नाचा पार्टी हाँ रवली पास गांव है लखोली हाँ नाचा पार्टी में नाऊ भी बजाए वो तो वो अपन लड़का मन के मन नाचा का घंटे वो पार्टी में सामने तो उनमें मदराजी दाऊ के लड़का हारमोनियम बजा दी अच्छा भक्तू दाऊ नाम थी का नाम भक्तू अच्छा वो हारमोनियम बजा थी सो मनराजी दाऊ के जिए मतलब रहत माँ है ना मतलब रही से मनराजी दाऊ उस समय तो अभी वो बजाते का होकर नहीं वो मर गए अच्छा वो हो वो पर लड़का मन दू ही लड़का ये दोनों लोग खत्म हो गए अच्छा तो ऊपर परिवार के सिर्फ पता था लड़का रहता मनराजी जी रवेली में अच्छा तो ये एकर बात है मतलब ये जो नाचा के बाद तो कहाँ पदार्पण हुई नाचा 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 के अंदर में जैसे ये मंदराजी दाऊ के साथ करे तो मंदराजी दाऊ के टीम हो तो फिर कई ठन आओ एक दूसरे टीम के साथ मिल गए रही ना वो कौन सा टीम के साथ एक तो पार्टी है बोरी कर पास है नाचा पार्टी भी बोरी में बोरी है गाँव नजदीक में बोरी रखला बोरी कहा वो में नाचा पार्टी वो में आज सब सब छीन भी हुए चांसर वो में आप नहीं वो और ये रवेली सर रवेली पार्टी कब रिंगनी पार्टी कब मिली सोकर साथ ओकर साथ मोर रहते रहते मिली से सब बात है अलग पार्टी बनी थी और हम कहाँ से एक हफ्ता से मैं वहाँ चल गई अच्छा नहीं ये रिंगनी और रवेली पार्टी एक साथ बनी ये रिंगनी और रवेली के साथ आऊ पार्टी रही इसका कोई नहीं मेरी दोनों पार्टी उस समय मैं नहीं रही हूँ चल गई हूँ अच्छा रवेली पार्टी के कौन कौन रही थे प्रसिद्ध कलाकार में एक दिन के नाम जो थे बुधराम दास के नाम जो थे तो नकल करे मदन थे और जगन्नाथ नाम के परी बने वो नागेगा के बड़े थे ऐसे रही थे तो जाओ देखे सब थे मनोहर दास रही थे वहाँ सरदारी कौन गांव के कौन है ये खराली वाली है तीन कटी कौन गाँव की तो वो काफ़ी दूर थी नोहरदास रही थे वो कहाँ करत रही से जोकराई कर अच्छा जोकराई और बदास बुधराम नाम भी थी वो जोकर काम कर बहुत दिन हो गए कई दिन भुला नाम वाम ये गोविंद राम वगैरह मन नहीं रही अच्छा वो समय नहीं रही रवेली पार्टी में नहीं रही रवेली और रिंगनी हुई सर वो स्टेज में रहा है कि मंजिले में निर बजाया ऐसे ढोलक वोलक बजाया ऐसे चल रही अच्छा बाद में कॉमिक वगैरह में भाग रही थी बाद में भी अच्छा और रिंगनी पार्टी के कौन कौन रही प्रसिद्ध कलाकार मन ठाकुर राम जी थे हाँ राम उनचिस की पार्टी रही थी जिसमें हारमोनियम बजी रही थे दुर्गत गुरदत्त गुरदत्त परदेसी वाला गुरदत्त है हारमोनियम में बजाया अच्छा वो पहले हारमोनियम में बजाया लेकिन बाद में फिर अच्छा गुरदत्त परदान वाला हारमोनियम बजा रही थी वो कहाँ के रही कौन गांव के रही ये दुर्ग के आसपास के गांव के कौन गांव अच्छा उसके बाद फिर वो तो पाँव पड़ गए कहाँ पर वो बैठे बजाए वो गुरदत्त और परदेसी जो प्रसिद्ध जो रही ना परदेसी डांसर है ना
और गुरुदत्त सर नेम काली के परदेसी परदेसी मतलब है वो बेलचंदन बेलचंदन है ना हैं परदेसी बेलचंदन गुरुदत्त परदेसी है ना वो निर्मला बेलचंदन होकर लड़की गाना गाते है ना ननकी ठाकुर जी के वो होकर मतलब नथी ठाकुर के ससुर है ना तो वो परदेसी तो है अभी भी है अभी अभी हावे हो हाँ कल्याणपुर नाचा पार्टी के हम सामने जाए हुआ अच्छा ये डांसर रही से तो एमन एमन रिंगनी पार्टी के रही इसका नहीं रिंगनी सामने अच्छा एमन नाचा पार्टी अलग रही लेकिन रिंगनी पार्टी के साथ एमन रही से मिले रही से तो रिंगनी और रवेली जब एक साथ मिल गए तो ये तो बहुत बड़े बड़े कलाकार मन वो का वो दौर में ये दोनों नाचा पार्टी सबसे प्रसिद्ध रही इसका अच्छा पार्टी तो फिर दोनों मिल गए तो एक साथ मिली इसका भरे मन आपको नहीं जानो मैं लेकिन मिली कहा लेकिन देखें कि ये मन हमारे लाइफ है मेल बातचीत हो सकता बात हो कि शामिल हो गई अच्छा मिल के जो है मन जब मिली तो कर बात कहाँ कहाँ मन के कार्यक्रम चलत रही से बहुत जगह हो हर जगह हो और यहाँ से बाहर भी गई इसका छत्तीसगढ़ से बाहर जगने की है छत्तीसगढ़ रिंगनी रवेली पार्टी दोनों और बाहर बाहर नहीं गए थे छत्तीसगढ़ के अंदर वो तरफ नहीं गए कलकत्ता टाटा नगर और ये बनारस वनारस बस छत्तीसगढ़ के अंदर में तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ तक जात रही से नाचा पार्टी ये सब घूमे बिलासपुर बिलासपुर तरफ गए और बस्तर तरफ सरगुजा अच्छा कामा जावत रही से बस वगैरह प्राइवेट गाड़ी शुरू हुई किराया करके प्राइवेट गाड़ी एमा बैला गाड़ी वगैरह में भी जाए का मन साइकिल वाइकिल में हाँ साइकिल वाइकिल में जाए हैं मौका लगे जैसे पाँच छः किलोमीटर दूर है या दस किलोमीटर तो साइकिल में जाना है तो चलो सब साइकिल में ऐसे हम जाए अच्छा रिंगनी रवेली पार्टी के मतलब रिंगनी रवेली पार्टी है हाँ कोई और टीम के साथ फिर मिलीस का होकर बाद नहीं है दोनों पार्टी फिर दोनों पार्टी कत कत दिन तक चली सोकर बाद राहत में उन्होंने कहा है सब छीन तो ये कबीर साहब हाँ कि हम कलाकार ले हाँ देखते चले जहाँ तक सब जगह हो गए हैं सब नाचक ही कलाकार कबीर साहब अच्छा विमान लकार कराए तो ओकर पहली का ये कलाकार मन रामचंद्र देशमुख जी के साथ काम कर रहे थे इसका तो ये मन रिंगनी वाले मन कर रहे हैं रिंगनी वाले मन कर रहे हैं और ये महा सिंह चंद्राकर जी के साथ वो तो साथ करे हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं करे हैं रामचंद्र देशमुख कर रही ये रिंगनी वाले पार्टी वाले वो और रवेली वाले मन रवेली वाले मन नहीं करे हैं बस रवेली वाले पार्टी हुई थे तो उन्हें कलाकार मेरे साथ अच्छा तो कौन कौन गई वो साहब के पास साथ जो है तबला वाले अच्छा शिवदयाल के शिवदयाल दादा गांव कौन सा है कुटेरी शिवदयाल देवदास है ना ठीक ठीक और मतलब ये पहली कई जन मन गई रिंगनी और रवेली के मतलब ये रिंगनी रवेली नाच पार्टी ही के ही टीम रही से है ना दोनों एक साथ मिलके रिंगनी रवेली साज बोले का बोला था का बोला थे टीम ला का बोला थे रिंगनी रवेली पार्टी रिंगनी रवेली पार्टी और साज वो चलेगा रिंगनी रवेली साज या रवेली साज या वो बाद में हुई थे लेकिन साज आई वगैरह जो शब्द है तेना बाद के का है हैं अब दोनों एक साथ मिले हुए हैं नहीं लेकिन वो बाद में वो पार्टी उल्टी नाम बाद में हो पुराना पार्टी दुकाना पार्टी वो समय ज़्यादा ये नहीं थे लेकिन दोनों एक साथ मिले तो अच्छा
जोर से। अच्छा नहीं, ये बता कि ये पार्टी का जो है मतलब नाचा पार्टी बोले कि साज बोले कि मंडली बोले, क्या बोला तू इसे? नाचा पार्टी कहाँ है वो नाचा पार्टी? जैसे ये तरफ अभी जैसे चलन में कि वो रवेली साज रही से, रिंगनी साज रही से, इसी टाइप के? हाँ वो उसने साज के रूप में कहा है। कहे कि रिंगनी रवेली नाचा पार्टी ऐसे कहे, क्या बोले? हाँ उसने बस हम बोले, लेकिन ज़्यादा मोड़ा ख्याल नहीं है, लेकिन उसी तरह की। अच्छा चलो एक मिनट ब्रेक देते हैं, फिर बात करते हैं। चाय पिला तो थोड़ा रुक जाते, पानी पी, पानी पिला। ए बाबा